हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस एंड रिवीजन में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जनवरी महीने के इम्पोर्टेंट डे, चाहे वो नेशनल डे हो, इंटरनेशनल डे हो, चाहे वो स्टेटहुड डे हो, इन सभी को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो लेक्चर का हम लोग शुरू स्टेटहुड डे के साथ करने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट के तीन स्टेट्स मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा, इन तीनों का स्टेटहुड दिवस, राज्य दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का राज्य दिवस 24 जनवरी एंड हिमाचल प्रदेश का राज्य दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। मीन्स आप जनवरी महीने में पांच स्टेट्स के नेशनल दिवस आप स्टेटहुड डे याद कर सकते हैं। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इन तीनों का 21 जनवरी, इसके अलावा उत्तर प्रदेश का 24 जनवरी एंड हिमाचल प्रदेश का 25 जनवरी को। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वर्ल्ड ब्रेल डे। देखिए, वर्ल्ड ब्रेल डे को 4 जनवरी को हर साल 2019 के बाद से 2019 से ऑब्जर्व किया जाता है। और ये आप समझिए, अगर 2019 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया तो 2020 में ये दूसरी बार ऑब्जर्व किया गया है। और इसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2018 में प्रोक्लेम किया गया कि हम लोग हर साल 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाएगा। इसे क्यों मनाया जाता है तो आपको पता होगा, लुईस ब्रेल जो कि ब्रेल लिपि का इन्वेंटर है, जो दृष्टिहीन लोग हैं उनके लिए एक लिपि का उन्होंने इन्वेंट किया था, और उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी के एक तरह से उसको ऑब्जर्व करने के लिए वर्ल्ड ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अगला है प्रवासी भारतीय दिवस। इसे 9 जनवरी को 9 जनवरी को मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। देखिए, एनआरआई जो भारत में एनआरआई जो भारत के एनआरआई है जो रहते हैं, उनके योगदान को, उनके कंट्रीब्यूशन को एक तरह से भारत के डेवलपमेंट के लिए जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसको सराहने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और आपको पता होगा कि 9 जनवरी को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, और उसी को लेके आप समझिए 2003 से हर साल प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है वर्ल्ड हिंदी दिवस। देखिए, वर्ल्ड हिंदी दिवस और नेशनल हिंदी दिवस, इन दोनों में आप लोग कन्फ्यूज मत कीजिएगा। वर्ल्ड हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, वहीं आप अगर नेशनल हिंदी दिवस की बात करें तो इसको 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, वैश्विक हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। तो 1975 में नागपुर में फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, और उसी के आधार पर हर साल 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी दिवस मनाया जाता है। और वहीं अगर आप नेशनल हिंदी दिवस जो कि 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है तो आपको पता होगा कि 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उन्होंने हिंदी लैंग्वेज की लिपि आपको पता होगा देवनागरी है, तो देवनागरी को रिपब्लिक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज एक तरह से प्रोक्लेम किया था, एडॉप्ट किया था। उसी के आधार पे 14 सितंबर को नेशनल हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला आते हैं आर्म्ड फोर्स वेटरन दिवस। देखिए, दो दिवस हैं, एक तो आप 14 जनवरी को आर्म्ड फोर्स वेटरन दिवस है, और 15 जनवरी आप देखिए आर्मी डे। इन दोनों में आप लोग डिफरेंस समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग आर्मी डे को देख रहे हैं। देखिए, 15 जनवरी को आप नाम पढ़िए, के एम करियप्पा, नाम आप लोग याद रख सकते हैं, के एम करियप्पा, फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, ये भारत के पहले इंडियन कमांडर इन चीफ रहे, ठीक है। और इन्होंने कमांडर इन चीफ में जो कमांड है उन्होंने 15 जनवरी को कमांड के तौर पे उन्होंने एक तरह से ज्वाइन किया। तो 15 जनवरी को आर्मी दिवस इसी के आधार पे मनाया जाता है कि फील्ड मार्शल के एम करियप्पा 15 जनवरी को कमांड में एक तरह से आए, तो इसी के आधार पर आर्मी दिवस मनाया जाता है। एंड वे रिटायर कब किए, तो 14 जनवरी को वे रिटायर गए 1953 में। 1953 में 14 जनवरी को फील्ड मार्शल के एम करियप्पा रिटायर हुए। और फील्ड मार्शल के एम करियप्पा कौन थे, ये फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस थे, और वे रिटायर किए 14 जनवरी 1953 को। और उसी से आप समझिए 2017 से हर साल 4 जनवरी को आर्म्ड फोर्सेस वेटरन दिवस मनाया जाता है। ये आर्म्ड फोर्सेस वेटरन दिवस जो वेटरन से जो सेक्रीफाइस कर गए उनको एक तरह से सैल्यूट करने के लिए, उनके कंट्रीब्यूशन को सराहने के लिए आर्म्ड फोर्सेस वेटरन दिवस 2017 से हर साल मनाया जाता है। तो हम लोगों ने आर्म फोर्स वेटरन दिवस एंड आर्मी डे, इन दोनों को देख लिया, और इन दोनों में हम लोगों ने डिफरेंस को भी हम लोगों ने पढ़ा है। अब आप अगला आता है
इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। देखिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एस्टेब्लिशमेंट 1875 को किया गया, ठीक है, 15 जनवरी को, मैंने नहीं लिखा हुआ आप नोट कर लीजिए, 15 जनवरी को किया गया है, इस चीज़ को आप लोग याद रख सकते हैं। अगला हम लोग आते हैं, अगला है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRF, NDRF 19 जनवरी को NDRF दिवस मनाया जाता है, मीन्स इसका एस्टेब्लिशमेंट इसी दिन 19 जनवरी को किया गया था, 19 जनवरी 2006 को। इसीलिए आपको अगर पूछा जाए कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का किस दिन उसका एक तरह से एग्जिस्टेंस में आता है, किस दिन उसको स्थापना किया जाता है, तो 19 जनवरी 2006 को इसका स्थापना किया जाता है। अगला आते हैं हम लोग नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। देखिए नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को मनाया जाता है, और आप लोग कन्फ्यूज मत कीजिएगा, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे एंड इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे या इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड ये 11 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है, वहीं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। और आप सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, इस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसको एक तरह से उनका इनिशिएटिव है और उनके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, और 2008 से इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे को, आप लोग समझ गए। अगला हम लोग आते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एडुकेशन, दो है, पहला है इंटरनेशनल डे ऑफ एडुकेशन एंड सेकेंड वन है नेशनल एडुकेशन डे। तो नेशनल एडुकेशन डे भारत में, नेशनल मीन्स भारत में होता है, तो भारत में 11 नवंबर को नेशनल एडुकेशन डे मनाया जाता है, वहीं अगर आप इंटरनेशनली बात करें तो 24 जनवरी को इंटरनेशनल एडुकेशन डे मनाया जाता है। इसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है, और 2019 से मीन्स ये दूसरा साल रहा 2020 में, और 2020 में इसका थीम क्या था, लर्निंग फॉर पीपल प्लानेट प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, लर्निंग फॉर पीपल प्लानेट प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, लर्निंग फॉर L4 4P 4B, ठीक है, पी फॉर पीपल प्लानेट प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, ये आपको आराम से याद रख सकता है, आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल डे ऑफ एडुकेशन 24 जनवरी को मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करें अगर UNGA, तो ये यूनाइटेड नेशन का एक प्राइम बॉडी है, 6 इसके प्राइम बॉडी है जिसमें से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आते हैं। इसके अलावा आप सिक्योरिटी काउंसिल ले लीजिए, इसके अलावा आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ले लीजिए, सेक्रेटेरिएट ले लीजिए, ट्रस्टशिप काउंसिल ले लीजिए, ये सभी इसके कुछ मेन बॉडीज़ के एग्जांपल्स हैं। अगला हम लोग इसका आप याद रख सकते हैं, नेशनल एडुकेशन डे को भी आप लोग याद रख लीजिए, 11 नवंबर को मनाया जाता है, इसको हम लोग नवंबर के सीरीज में भी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि नेशनल क्या है इंटरनेशनल क्या है। नेक्स्ट है नेशनल वोटर्स डे। देखिए इलेक्शन कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट 25 जनवरी 1950 को किया जाता है, और इसी के लिए 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसके अलावा इस साल का आप लोग थीम याद कर सकते हैं, इलेक्ट्रोल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, इस साल का हमारा थीम है इलेक्ट्रोल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। अगला आते हैं नेशनल टूरिज्म डे। देखिए नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, एक दिन पहले 26 जनवरी के एक दिन पहले ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। अगला आते हैं इंटरनेशनल कस्टम्स डे, 26 जनवरी को ये एक तरह से ऑब्जर्व किया जाता है, एंड स्लोगन है कस्टम्स फॉस्टरिंग सस्टेनेबिलिटी फॉर पीपल प्रॉस्पेरिटी एंड द प्लानेट, इसको आप याद रखें, इसमें 3P है, पीपुल्स प्रॉस्पेरिटी एंड प्लानेट, कस्टम्स फॉस्टरिंग सस्टेनेबिलिटी, इंटरनेशनल कस्टम्स डे 26 जनवरी को इसको ये किया जा रहा है। देखिए क्यों किया जाता है इंटरनेशनल कस्टम डे, क्यों मनाया जाता है, तो आपको पता होगा कि वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन 26 जनवरी 1952 को किया गया, और इसीलिए इस डे को मनाया जाता है, और इस WCO वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, ठीक है। अगला हम लोग आते हैं शहीद दिवस, शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा आप एक चीज़ याद रख सकते हैं कि शहीद दिवस भारत में दो दिन है, एक तो 30 जनवरी को मनाया जाता है, इसके अलावा 23 मार्च को भी मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग 30 जनवरी को समझते हैं। देखिए महात्मा गांधी का शहीद दिवस के दिन 30 जनवरी को
एक शहीद दिवस मनाया जाता है। एंड सेकेंड वन, आप अगर 23 मार्च की बात करें तो भगत सिंह, सुखदेव थापर एंड शिवराम राजगुरु, इन तीनों को डेथ एनिवर्सरी को रिमेंबर करते हुए शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। आप इन दोनों को याद रखें, 30 जनवरी एंड 23 मार्च शहीद दिवस। इसके अलावा एक दिन है जो 30 जनवरी को ही मनाया जाता है, वो है वर्ल्ड लेप्रोसी डे। देखिए, लेप्रोसी डे मीन्स होता है कुष्ठ, लेप्रोसी मीन्स होता है कुष्ठ रोग, एक तरह का रोग है, ठीक है। तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे, देखिए इसके दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला है भारत में कब मनाया जाता है, तो भारत में वर्ल्ड लेप्रोसी डे 30 जनवरी को मनाया जाता है। अब 30 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, तो आपको पता होगा कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी का एसिनेशन कर दिया गया था। इसके अलावा भारत में महात्मा गांधी हो गए, महात्मा आमटे हो गए, इनका कुष्ठ रोग के प्रति बहुत ज़्यादा उनका वर्क किए थे उन्होंने कुष्ठ रोग को लेकर, इसीलिए वर्ल्ड लेप्रोसी डे भारत में 30 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं अगर आप इंटरनेशनली देखें तो जनवरी के लास्ट संडे को विश्व में मनाया जाता है, जनवरी के लास्ट संडे को वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है। और इस साल जनवरी का लास्ट संडे 26 जनवरी को था, 26 जनवरी को था, तो 26 जनवरी को 2020 में इस साल मनाया गया। इसके अलावा जब भी मनाया जाएगा वर्ल्ड लेप्रोसी डे इंटरनेशनली, तो जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाएगा। और इस साल थीम था इसका, लेप्रोसी इज नॉट व्हाट यू थिंक, लेप्रोसी वह नहीं हो, वह नहीं है जो आप सोच रहे हो, लेप्रोसी वह नहीं है, कुष्ठ रोग वह नहीं है जो आप सोच रहे हो, वर्ल्ड लेप्रोसी डे आप लोग समझ गए होंगे। और हमारा जनवरी महीना का आखिरी डे है वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे। आप इसको फिर से पढ़ सकते हैं, वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, इसे 30 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। और आप समझिए इसे क्यों मनाया जाता है, तो आपको पता होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता होगा कि अगर आप वर्ल्ड ले लें, पूरा विश्व ले लें, तो तीन लाइन आपको पता होगा, एक इक्वेटर है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के पास बहुत सारे डिजीजेस क्रिएट होते हैं, तो इसीलिए 2020 में पहली बार वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे मनाया गया, ताकि वहाँ के लोगों को जो ट्रॉपिकल रीजन में होने के कारण जो डिजीजेज क्रिएट होते हैं, ट्रॉपिकल डिजीजेज है, ठीक है, उनको एक तरह से कंट्रोल करने के लिए एक तरह से आप इस डे को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे 30 जनवरी को मनाया जाता है, और 2020 में ये पहली बार मनाया गया। तो हम लोगों ने जनवरी महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डेज को देख लिए, अब हम लोग अगला लेक्चर हम लोग फरवरी महीना का भी लाएंगे, और इसी तरह हम लोग मार्च, अप्रैल, मई करके दिसंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो और स्टेटहुड डे हो, उन सभी को हम लोग एक एक करके कंप्लीट करेंगे। हमने स्टेटहुड में टोटल 5 स्टेट के एक तरह से राज्य दिवस को हम लोगों ने देखा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 24 जनवरी एंड 25 जनवरी, सभी 20 के बाद ही आ रहा है, आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और सभी को बताएं, शेयर भी करें। धन्यवाद।